श्री अनिता श्रीमती अनिता बधेल। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 और 27 पर बोलने की अनुमति प्रदान की। माननीय सभापति महोदय, इस दोनों ही मांग पर जब कटौती प्रस्ताव मांगे गए तो कटौती प्रस्ताव देते समय बहुत सारे सुझाव मेरे मन में थे, लेकिन कटौती प्रस्तावों में 5 प्रस्ताव ही दिए जा सकते थे। और जब मैंने कार्यसूची आज की देखी तब जो कटौती प्रस्तावों को बारीकी से पढ़ा तो उन कटौती प्रस्तावों में चिकित्सा शिक्षा की जब मैं बात करती हूँ तब चिकित्सा शिक्षा में 100% सब मान्य सदस्यों ने जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं उन सबके कटौती प्रस्तावों में एक सुझाव तो निश्चित रूप से है कि मेरी पीएससी और सीएससी में डॉक्टर लगा दिए जाएं, या मेरे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर्स या एमओ की भर्ती कर दी जाए। तो इससे स्पष्ट है कि पूरे राजस्थान में जितना मेडिकल कॉलेज हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उन सब फैसिलिटीज़ में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का कि उन्होंने इस बजट में 1500 डॉक्टर्स और 4000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की बात की है। परंतु डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य जब उल्लेख कर रहे थे, यदि उस लक्ष्य को मैं देखूं तो उस लक्ष्य को देखते हुए जब मैं इन भर्तियों की ओर देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये नाकाफ़ी है। इन भर्तियों की संख्या हमें और अधिक बढ़ानी चाहिए, तभी हम राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर पाएंगे। नहीं तो हमेशा से ही ये मांग बनी रहती है कि राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करो। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस और भी लाना चाहती हूँ। जब इंडियन मेडिकल काउंसिल किसी कॉलेज के अफिलेशन के लिए निरीक्षण करने आती है तो अक्सर मैंने ये देखा है जेएलएन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण जब होता है तब एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कुछ प्रोफेसर्स कुछ डॉक्टर्स को पोस्टिंग कर दी जाती है, और जैसे ही निरीक्षण पूरा हो जाता है काउंसिल के डॉक्टर्स या अधिकारी निरीक्षण पूरा कर देते हैं तो उनका जो स्थानांतरण किया हुआ होता है वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये एक तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की आंखों में धूल झोंकने वाली बात होगी कि आप कॉलेज की मान्यता के लिए आप अस्थायी रूप से उस स्थान पर स्थानांतरण कर देते हैं और फिर बाद में उस स्थानांतरण को कैंसिल कर देते हैं। तो इससे ना केवल उसको धोखा है बल्कि अपने आप को भी धोखा है। इसलिए पीजी की कक्षाएं, मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगी कि जितना अधिक पीजी की सीटें हम मेडिकल कॉलेजों में बढ़ा सकें उतनी हमें बढ़ानी चाहिए, और जितने हमारे एफिलेटेड मेडिकल के हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स की संख्या जब हम देखते हैं तो वो भी सीएससी की आपने बात करी है कि हर सीएससी पर एक विधानसभा में आप सीएससी देंगे, उसके लिए तो आपको धन्यवाद है। परंतु मैं उसके साथ ही एक सुझाव और देना चाहूँगी, एक एक सीएससी आप हर विधानसभा पर दे रहे हैं लेकिन एक एक सीएससी के साथ साथ एक एक जीएनएम नर्सिंग कोर्स की सुविधा भी यदि एक विधानसभा पर दे देते हैं, क्योंकि मैंने जब सूची देखी तो 3 ही जिले ऐसे हैं जिनमें 2 नर्सिंग स्कूल संचालित हैं, बाकी सब एक एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक एक नर्सिंग स्कूल है, और एक एक जिला इतना बड़ा जिला होता है नर्सिंग की पूर्ति हमारी हो नहीं पाती है। यदि नर्सिंग स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ हमको मिलेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी हॉस्पिटल्स में हमें उनकी पूर्ति करने के लिए उनको हम रोजगार भी दे पाएंगे और दूसरी तरफ हम स्किल मेन पावर भी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करा पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम जितने भी उपाय करते हैं वो कुछ समय पश्चात नाकाफ़ी महसूस होते हैं, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से जितने उपाय किए जाते हैं वो वापस वहीं लौट आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हम इस जनसंख्या को नियंत्रित करने का किसी तरह से विचार कर सकते हैं क्या? स्वास्थ्य के मानकों में वृद्धावस्था में स्वास्थ्य के देखभाल के प्रति कोई विशेष उपाय किए जा सकते हैं क्या, और विशेषकर महिला स्वास्थ्य की ओर हम ध्यान दे सकते हैं क्या? क्योंकि महिला में बहुत तरह की एनीमिया और पता नहीं किस कारण से, जीवन शैली के कारण से, हमारी सामाजिक परंपरा के कारण से, हमारे सामाजिक
जो हमारा जीवन है उसके कारण से महिलाएं अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती, और ऑल ओवर जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस तरह की परेशानी हमें दिखाई देती हैं। अभी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि 6000 पर एक डॉक्टर हमें उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री महोदय के बताना चाहूँगी, ये डॉक्टर तो हमें 6000 पर एक उपलब्ध है, लेकिन नर्सिंग कर्मी हमारे को 10000 की जनसंख्या पर एक नर्सिंग कर्मी हमको उपलब्ध होता है। तो हमें नर्सिंग कॉलेज खोलने की और अधिक आवश्यकता है। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी मेरे अजमेर के बारे में, क्योंकि अजमेर का मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, और RUHS की बात हमारे मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने की कि RUHS को भैरव सिंह शेखावत जी के नाम से कर देना चाहिए। वास्तव में मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ। हमारे बड़े नेता हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उपराष्ट्रपति रहे। ये राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान से वो उपराष्ट्रपति रहे, तो उनके नाम से करना ही चाहिए। परंतु मैं साथ में एक सुझाव और देंगी, जितने एकेडमिक कॉलेज हैं उन एकेडमिक कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ आप देखिए, इस 5 साल में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी आएंगी। मेडिकल के क्षेत्र में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। यदि अजमेर मेडिकल कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाए तो वहाँ की जो हमेशा मेन पावर की समस्या है, उस मेन पावर की समस्या से हम समाधान पाएंगे। आपको धन्यवाद है कि आपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से जयपुर के महावीर हॉस्पिटल, कैंसर महावीर हॉस्पिटल और SMS में कैंसर के रोगियों की बहुत तादाद रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो मेरा आपको सुझाव है, ऑन्कोलॉजी विभाग जो अजमेर के जैलन मेडिकल कॉलेज है उसमें ऑन्कोलॉजी विभाग बनाया जाए, और ऑन्को फिजिशियन और ऑन्को सर्जन की नियुक्ति वहाँ की जाए, एकेडमिक इंस्टीट्यूट की स्थापना वहाँ पर की जाए। इसी तरह से माननीय मंत्री महोदय, MCH कोर्स जो अजमेर के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है, इस MCH कोर्स में NMC के नॉर्म्स के अनुसार फैकल्टी की स्थापना की जाए, फैकल्टीज रिक्रूटमेंट की जाए, क्योंकि फैकल्टीज नहीं होने के कारण से उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा है, और संबद्धता नहीं मिलने के कारण से जो बच्चे MCH का कोर्स करते हैं उन बच्चों को कोई उसका लाभ नहीं मिलता, तो उन बच्चों को भी उसका लाभ मिल पाएगा। न्यूरोसर्जरी विभाग में फैकल्टी लगाई जाए और MCH का नियमन उसके साथ में कराया जाए, न्यूरोफिजिशियन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाए। नर्सिंग कर्मचारियों की पूर्ति के लिए पहले ही मैंने आपको निवेदन किया है कि नर्सिंग कर्मचारियों की कमी है, उन नर्सिंग कर्मचारियों की पूर्ति के लिए भी हमें जैलन मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए। रेडियोलॉजी विभाग में फैकल्टी लगाई जाए, साथ ही साथ CTVS सर्जरी में फैकल्टी लगाई जाए, क्योंकि CTVS में जब तक आप सर्जरी नहीं लगाएंगे तब तक PG कोर्स वहाँ नहीं हो सकते, और जब तक PG कोर्स नहीं हो सकते तब तक वहाँ पर बाईपास भी नहीं होती है। बाईपास के लिए भी लोगों को जयपुर आना पड़ता है या फिर प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है, एक सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए और मेडिकल हॉस्पिटल्स के लिए सुझाव देना चाहूँगी, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जो हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के डॉक्टर्स को लगाया जाता है। अब वो अपनी प्रैक्टिस करें कि पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखता रहे, इसलिए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट फील्ड से ही किसी मेन पावर को लगाया जाएगा। किसी RAS को भी आप डेपूट कर सकते हैं, किसी IAS को भी आप वहाँ डेपूट कर सकते हैं, ताकि हॉस्पिटल के रख रखाव, पानी, बिजली और सफाई, अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य सफाई की बात कर रहे थे, कोई भी डॉक्टर सफाई की ओर ध्यान नहीं देता है, उसको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी, मेरा पेशेंट छूट जाएगा। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल्स में सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे हमें महसूस करना चाहिए। इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, फीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ व्यवस्था ठीक है, सफाई ठीक है। यदि ये सफाई और व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल्स में ठीक हो जाए तो मैं समझती हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जैसे लोग बहुत अच्छे से आ पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर्स हमारे पास है, प्रोफेसर और उससे अधिक रैंक के लोग हमारे पास, मेन पावर हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में हमें सरकारी हॉस्पिटल्स में सफाई की व्यवस्था के ध्यान के लिए और बाकी के मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो विद्युत की लाइन हो, चाहे नालियां हो, चाहे शौचालय हो, अभी जयपुर से आने वाले बाल मुकुंदाचार्य जी कह रहे थे कि कितनी गंदी शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हम सफाई की तो बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई स्वच्छता से ही स्वास्थ्य रहता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में या जब
हम देखते हैं तो इस प्रकार से हमें लगता है कि हॉस्पिटल में सफाई नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी, मेरे अजमेर के सेटेलाइट हॉस्पिटल के बारे में निवेदन करना चाहूँगी। जैसा मान्य चौमू से आने वाली मान्य सदस्य कह रही थी कि कैशलेस सुविधा हमने पहले प्रारंभ की, सीकर से आने वाले मान्य सदस्य, झुंझुनू से आने वाली मान्य सदस्य ये बता पाएंगी कि पहले आपने शुरू करी या पहले हमने शुरू करी। भामाशाह योजना जो इस राजस्थान की पहली कैशलेस व्यवस्था थी वो तो 2008 में तो आपकी सरकार आ गई थी, हमने 13 से 18 के बीच में वसुंधरा जी की सरकार में ये कैशलेस व्यवस्था शुरू करी। नहीं, और उसके अतिरिक्त अभी आपने कहा, मंत्री महोदय ने अच्छा जवाब दिया कि आप उत्तर सुन के जाइएगा, आपने ये कहा कि 10-12 दिन में ही नर्सिंग जो संविदा कर्मी लगे हैं वो नियमित हो जाते हैं। भैया, ये घोषणा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में छपी थी कि हम संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देंगे, लेकिन आप 5 साल नहीं कर पाए और हमसे अपेक्षा करते हैं कि 10-12 दिन में ही हम कर लेते, तो ये दोनों चीज़ें कैसे संभव हो पाएंगी। मैं अंत में माननीय सभापति महोदय मेरे सेटेलाइट की 2 मांग पर को कहते हुए पूरा करती हूँ। मेरे सेटेलाइट हॉस्पिटल में माननीय मंत्री महोदय, जैसा ओपीडी 10,000 का ओपीडी वहाँ पर है और पर मंथ 300 से 400 डिलीवरीज वहाँ पर होती हैं, ऐसी स्थिति में जितनी पोस्टें वहाँ जिला अस्पताल के नाते से होनी चाहिए थी उतनी पोस्टें वहाँ स्वीकृत तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की पदस्थापन नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर्स का वहाँ पदस्थापन कराया जाए। उसी कैंपस में हमने जगह उपलब्ध कराई है, उस जगह पर डॉक्टर्स की रेजिडेंस बनाए जाए और नर्सिंग स्टाफ और जैलन मेडिकल कॉलेज के दबाव को कम करने के लिए एक सर्जरी डिपार्टमेंट, एक मेडिकल की यूनिट वहाँ, चूँकि वो जैलन के अंडर में ही है, मेडिकल कॉलेज के अंडर में, इसलिए वहाँ स्थापित किया जाए। मैं अंत में माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक CSC हर विधानसभा क्षेत्र में दी है, उस नीति के तहत एक CSC मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी खुलने वाली है। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जितने सुझाव, जितनी डिमांड मैंने की है उनकी और आप ध्यान देंगे और जब आपका रिप्लाई आएगा तो राजस्थान में एक संदेश जाएगा कि वास्तव में ये सरकार करने वाली सरकार है, कहने वाली सरकार नहीं है। कैशलेस की सुविधा जिसको चिरंजीवी, भामाशाह को चिरंजीवी नाम दिया गया, वो कन्फ्यूज़न आपके कारण से हुआ, वो कन्फ्यूज़न जनता को किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि जनता को अच्छे से समझ में आ गई बात कि ये सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। हम जनता क्लिनिक खोलेंगे, जनता क्लिनिक खोलेंगे, लेकिन पूरे राजस्थान में सिर्फ जयपुर के अलावा एक भी विधानसभा में जनता क्लिनिक नहीं खुला, इसलिए आज हम यहाँ हैं और आप वहाँ हैं और आप हमेशा वहाँ रहेंगे, ऐसा ही मेरे को विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।